बरतानिया की मशहूर लॉ फर्म ब्रिटन सॉलिस्टर की लंदन में दूसरी ब्रांच के एक साल कंप्लीट होने पर एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ब्रिटन सॉलिस्टर के प्रिंसिपल सॉलिस्टर रिजवान सुलहरिया और इनकी पूरी टीम ने शिरकत की। इस तकरीब में बिजनेस कम्युनिटी समेत वकला की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिसमें रिलायंस सॉलिस्टर से शफाकत अली सिंधु, इंटरनेशनल लायर क्लब यूके के सदर अफजाल अहमद चौधरी, हाफिज अब्दुल गनी चौधरी और इंटरनेशनल लायर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सज्जाद कियानी भी शामिल थे। तकरीब का बाकायदा आगाज हाफिज अब्दुल गनी चौधरी ने तिलावत कुरान पाक से किया। रिजवान सुलहरिया ने ब्रिटेन सॉलिस्टर्स की टीम का तारुफ भी करवाया और एक साल मुकम्मल होने की खुशी में केक भी काटा गया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ansarari Asab to come to the stage and speak a few words. Be hard in this branch and they made this day for me, and to be honest I'm very happy that we complete 1 year. She completed her training here, she became training solicitor. Ladia is one of our European lawyer. Fulfat is also training solicitor and practice manager. Mia, can you come here as well? She is also a trainee here in our organization. There are other people as well, they are not here today, but everyone has to, because today is the weekend and everyone has to do their own work as well. चलता टीवी से बात करते हुए रिजवान सुलहरिया का कहना था कि कोरोना वायरस के बाद इस तरह की तकलीफ करने का मकसद इम्प्लॉयर्स को हौसला देना था ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर सके। चलता टीवी से बात करते हुए दूसरे शुरुआत का कहना था कि रिजवान सुलहरिया एक मेहनती और हमदर्द इंसान है और वो उनकी इस कामयाबी पर उनको मुबारकबाद भी देते हैं। समझते हैं कि बड़ा एक प्राउड मोमेंट है मेरे लिए कि आज हम एक साल हमने एक नई जगह पे ब्रांच शुरू की, और स्पेशली कोरोना वायरस के बाद जिस तरह के बिजनेसेस जो हैं वो इस वक्त वो बंद होने को जा रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से अपने आप को रिवाइव करें, स्टाफ को दोबारा से हम बुलाएँ और उसी तरह से बिज़नेस स्टार्ट करें जिस तरह से हम इससे पहले किया करते थे। तो ये भी आज इसी सिलसिले की कड़ी थी कि आज हमने ये स्टार्ट किया है और इंशाल्लाह ताला वी आर होपफुल कि बिजनेस उसी तरह रिवाइव करेंगे, हमारे क्लाइंट्स उसी तरह से हमसे सर्विसेज लेंगे जिस तरह इससे पहले लेते थे, और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में मैं ये समझता हूँ कि बिज़नेस जो है वो बेहतर अंदाज में काम करेगा। और मेरे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है, स्पेशली आज जब मेरे एम्प्लॉयज़ जो है उन्होंने यहाँ पे पूरा एक साल कंप्लीट किया है, और स्पेशली वुमेन ओनली ब्रांच है मेरी ये, तो ये बड़ा मेरे लिए प्राउड मोमेंट है। जनाब रिजवान सुलहरिया साहब एक फुली कमिटेड, डिटरमेंट और वाइब्रेंट सॉलिसिटर हैं। इनकी एक ब्रांच ऑलरेडी सक्सेसफुली क्रैनबर्ग रोड पे चल रही है और ये दूसरी ब्रांच थी जिसका एक साल पूरा हुआ है। तो ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ एज ए एक्सपीरियंस सॉलिसिटर फॉर लास्ट मोर देन 15 इयर्स कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है, ना सिर्फ ब्रिटेन सॉलिसिटर्स के एम्प्लॉयज़ की, पार्टनर्स की, बल्कि एक पल्सेटिंग लीडरशिप जो रिजवान सुलहरिया साहब की शक्ल में मौजूद है कम्यूनिटी के लिए, पाकिस्तानी जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए, और लार्जली जो आपके ब्रिटिश क्लाइंट्स हैं इन सब के लिए एक तोहफा है, गिफ्ट है, पर्टिकुलरली ये जो सेवन किंग्स ब्रांच है। मुबारकबाद देना चाहता हूँ रिजवान सुलहरिया और उनकी पूरी टीम को, उन्होंने ये ऑफिस में एक साल कंप्लीट किया है। हमने और रिजवान साहब ने ये सफ़र इकट्ठे शुरू किया था, आस्ता आस्ता कारवां बढ़ता गया, लोग मिलते गए, उनको इस कामयाबी पर एक साल मुकम्मल करने पर, बिज़नेस ग्रो करने पे बहुत बहुत मुबारक पेश करते हैं, और हमारी दुआ है अल्लाह ताला उनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की ता फरमाए। एक साल के अंदर उन्होंने माशाल्लाह बहुत ग्रो किया है। बीइंग ए फ्रेंड मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी अचीवमेंट है और हम सब के लिए फ़ख्र है एक दोस्त जब
ग्रो करे, बिजनेस ग्रो करे, उसके साथ साथ पब्लिकली भी वो एक्टिव हो, सोशल वर्कर भी हो, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हो, ये इनकी क्वालिटीज़ हैं। रिजवान साहब को बहुत बहुत मुबारक पेश करते हैं, अल्लाह ताला उनको और कामयाबियाँ दे। ये समझता हूँ कि ब्रिटिश सॉलिसिटर का जो एक बहुत ही अच्छा इकदाम है, एक साल कम्प्लीट होने के बाद इन्होंने जो सेवन किंग ऑफिस को, जिसको पहले हमने ही रन किया है, मैं उन बानियों में से एक हूँ जिन्होंने इस ऑफिस का आगाज़ किया 2015 में, और हमारे बाद रिजवान सलारिया साहब ने टेक ओवर किया। अब रिजवान सलारिया साहब को इस बिज़नेस को रन करते हुए एक साल हो चुका है, और हम रिजवान सलारिया साहब के लिए और इनकी पूरी की पूरी टीम के लिए दो दुआगो हैं कि परवरदिगार इनको कामयाबी कामरानी अता फरमाए और यूके की इकोनॉमी में अपना रोल अदा करें और सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए मैक्सिमम।